हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेज के ABC। आज की वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड क्लास प्लस टू का बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर है उसका डिज़ाइन और पैटर्न लेके आए हैं। ब्लूप्रिंट कहते हैं उसे हम। ब्लूप्रिंट कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन कितने नंबर वाले आएंगे और किस टॉपिक से कितने नंबर का पेपर बनता है आपका। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडी का पेपर में सबसे पहले हम क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। देखिए, तीन क्वेश्चन आपके ऐसे टाइप आते हैं, छः नंबर वाले, छः छः नंबर के तीन क्वेश्चन। आठ क्वेश्चन आपके चार चार नंबर वाले आते हैं और सात क्वेश्चन दो दो नंबर वाले। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 16 क्वेश्चन एक एक नंबर के। टोटल हैं 34 क्वेश्चन और 80 नंबर का पेपर। टाइम 3 घंटे होता है। अब टॉपिक वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर आपका 4 नंबर का है। फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 6 नंबर का। बिजनेस एनवायरनमेंट 8 नंबर। प्लानिंग 6 नंबर का। पांचवा चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग 4 नंबर का। 6 स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट 8 नंबर का। डायरेक्टिंग ये आपका 4 नंबर का है। कंट्रोलिंग 6 नंबर का। बिजनेस फाइनेंस ये भी 6 नंबर का है। फाइनेंशियल मार्केट 8 नंबर। और मार्केट एंड मार्केटिंग मिक्स ये 8 नंबर का टॉपिक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 नंबर का। और एंटरप्रेन्योरशिप 8 नंबर का। तो टोटल ये सब मिला के 13 टॉपिक आपके हो गए। 80 मार्क्स का पेपर बनता है। और जो इंटरनल चॉइस भी आती है आपकी, कहीं से भी आ सकती है। इसमें इंटरनल चॉइस जरूरी नहीं है कि ऐसे टाइप में से आएगी। ऐसे टाइप के अंदर जो डिफरेंट यूनिट और सब यूनिट में है, ऐसे टाइप के पार्ट भी हो सकते हैं, उसमें से भी आ सकती है। डिफ़िकल्टी लेवल जो है 10% डिफ़िकल्ट, 50% एवरेज और 40% बिल्कुल ईजी आता है पेपर आपका। तो इस हिसाब से जो बोर्ड का ये पैटर्न है अकाउंट बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर का, ये सेट होता है हमारा हर बार। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।